हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्वास्थ्य, पोषण और विटामिन से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स उन्हीं प्रश्नों को हमने इस वीडियो में रखा है जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन प्रश्नों को याद करते चलिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी पाश्चर, ऑप्शन सी फंक, ऑप्शन डी लेनेक। विटामिन शब्द फंक ने प्रतिपादित किया था, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फंक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी बैंगन, ऑप्शन सी नींबू, ऑप्शन डी चावल। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गाजर। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी आंवला, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी आंवला, ऑप्शन डी दूध। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंवला। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ई। विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मछलियों की यकृत के तेल में किसकी विशेषता होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी पाइरिडॉक्सिन, ऑप्शन सी टोकोफेरॉल, ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन सी। मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के से बनता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन के। विटामिन के से मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, दांतों में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी खनिज। दांतों में कैल्शियम पाया जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम। दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी फ्लुओरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी आयोडीन। फ्लुओरीन तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लुओरीन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी गंधक, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी लोहा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पोटेशियम। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी सेम, ऑप्शन सी मूली, ऑप्शन डी गेहूँ। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत शैवाल है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शैवाल। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत शैवाल है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है?
ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी वसा। पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आयरन। पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन ए पनीर, ऑप्शन बी पालक, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी दूध। मनुष्य लोहा पालक से प्राप्त करता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पालक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए नारंगी, ऑप्शन बी अंडे, ऑप्शन सी हरी सब्जियां, ऑप्शन डी दूध। हरी सब्जियों में भरपूर लोह तत्व पाया जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हरी सब्जियां। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी जस्ता। लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लोहा। लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 50। एक गिलास पानी पीने से कोई भी कैलोरी नहीं मिलती है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 0। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजुआ कौन है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी एंट अमीबा, ऑप्शन सी ट्रेपेनोसोमा, ऑप्शन डी फेगोट्रेफिक। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजुआ एंट अमीबा है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एंट अमीबा। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजुआ एंट अमीबा है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मैसूर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर में स्थित है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मैसूर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र मैसूर में स्थित है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए आमाशय, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी आंत, ऑप्शन डी मस्तिष्क। टाइफाइड से शरीर का आंत अंग प्रभावित होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आंत। टाइफाइड से शरीर का आंत अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको इस चैनल पर जीके से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हैजा का कारण क्या है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी फफूंद, ऑप्शन डी शैवाल। हैजा का कारण जीवाणु है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जीवाणु। हैजा का कारण जीवाणु है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी एड्स। एलिसा जांच एड्स रोग की पहचान करती है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एड्स। एलिसा जांच एड्स रोग की पहचान करती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी मैसूर। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लखनऊ। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, खसरा रोग का कारक क्या है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी कृमि। खसरा रोग का कारक विषाणु है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विषाणु। खसरा रोग का कारक विषाणु है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी पैंक्रियाज, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी हृदय है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पैनक्रियाज। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में
ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी विटामिन। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत वसा होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वसा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत वसा होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। विटामिन डी की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? ऑप्शन ए फ्लू, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी अमीबियासिस। फ्लू बीमारी पानी के द्वारा नहीं होती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लू। फ्लू बीमारी पानी के द्वारा नहीं होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? ऑप्शन ए आंत, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी अस्थि संधि। न्यूमोनिया रोग फेफड़ा को प्रभावित करता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फेफड़ा। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के फेफड़ा अंग को ग्रसित करता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी ब्रक, ऑप्शन डी फुफ्फुस। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, यकृत। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 42%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 80%। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 42% होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, 42%। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 42% होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए मांस, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी दाल। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चावल। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए उड़द, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी सोयाबीन। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत सोयाबीन में पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोयाबीन। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत सोयाबीन में पाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? ऑप्शन ए बाह्य त्वचा में, ऑप्शन बी वसा ऊतक में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी एपिथेलियम में। मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वसा ऊतक में। मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पुनः कार्बोहाइड्रेट कहाँ संग्रह होता है? ऑप्शन ए सुगर, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। मानव शरीर में पुनः कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में संग्रह होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्लाइकोजन। मानव शरीर में पुनः कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में संग्रह होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25। प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 20। प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं।
इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी विटामिन। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, प्रोटीन। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, एंजाइम मूल रूप से क्या है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड, ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी ब्रक, ऑप्शन डी पीलिया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही आंसर क्या है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, मस्तिष्क, यकृत, ब्रक या फिर पीलिया? आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।